हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एवर नॉलेज ट्रैक पर। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं 28 मई की करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं सबकी हम बात करने वाले हैं। साथ ही मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज जीके लेकर के आता रहता हूँ। ज्ञानवापी मंदिर के ऊपर भी मैंने वीडियो डाली है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। साथ ही वीडियो में अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और वहां से डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। तो चलो गाइज, आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइज हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नोवल वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022। निम्नलिखित में से किस उपन्यास ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जो है जीता है। ठीक है गाइस, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है जीता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन वन, टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, तो जो लेखक गीतांजलि श्री ने 26 मई 2022 को लंदन में अपने उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जो है जीतने के बाद अपना स्वीकृति भाषण दिया था। किसने जीता था? लेखक गीतांजलि ने। ठीक है, कौन सी बुक? टॉम्ब ऑफ सैंड, उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू कंडक्ट इट्स फर्स्ट डिजिटल सेंसस बिटवीन 15 to 21 June 2022। निम्नलिखित में से कौन सा देश 15 से 21 जून 2022 के बीच अपनी पहली डिजिटल जनगणना जो है आयोजित करेगा? तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन फोर, ठीक है, बांग्लादेश इज द राइट आंसर। 3.7 लाख से अधिक गणनाकर्ता, 64,000 पर्यवेक्षक और 4,500 अधिकारी 15 से 21 जून 2022 के बीच में जो है बांग्लादेश की पहली डिजिटल जनगणना जो है करेंगे। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है गाइज, इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन द WEF ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। WEF यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन फोर, ठीक है, 54th नंबर पर जो है भारत को रखा गया है। WEF के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में 4.2 के स्कोर के साथ भारत को 54वें स्थान पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है गाइस, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड एन एडवांस ऑफ 324 करोड़ रुपीज फ्रॉम स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड SDRF टू द फ्लड हिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में बाढ़ प्रभावित के लिए राज्य आपदा राहत कोष 324 करोड़ की अग्रिम राशि रखी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन वन, असम। असम इज द राइट आंसर। तो गाइज देखो, केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित असम के लिए राज्य आपदा राहत कोष SDRF से 324 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि जारी की है। तो अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, नोबल प्राइज ल्यूरेट जोस रेमस होर्टा हैज बीन स्वॉन इन एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? नोबल शांति पुरस्कार विजेता जोस रेमस होर्टा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन टू, ठीक है, ईस्ट तिमोर। और पूर्व स्वतंत्रता सेनानी थे ये, ठीक है, नोबल शांति पुरस्कार विजेता है ये जोस रेमस होर्टा, ठीक है, जोस रेमस होर्टा पूर्वी तिमोर के ये राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड चाइल्ड अलर्ट रिपोर्ट? चाइल्ड अलर्ट रिपोर्ट जो टाइटल है उस नाम से किसने रिपोर्ट जो है रिलीज करी है? ठीक है गाइज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थ्री, यूनिसेफ। यूनिसेफ ने ये रिपोर्ट जो है
रिलीज करी थी। अगला क्वेश्चन, इसके अंदर जो है यूनिसेफ ने चाइल्ड अलर्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी करी थी, ठीक है, ऑप्शन थ्री था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है गाइस, विच स्टेट हैज लॉन्च द संभव पोर्टल फॉर डिस्पोजल्स ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू एनर्जी। किस राज्य ने ऊर्जा से संबंधित जन शिकायतों के लिए निपटान के लिए संभव पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन टू, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। तो उत्तर प्रदेश ने दो विभागों की जन शिकायतों और निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं को निपटान के लिए क्या है, संभव मीन्स सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू पोर्टल को जो है लॉन्च किया है, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में जो है नियुक्त कर लिया गया है? तो गाइज राइट आंसर है इसका ऑप्शन थ्री, विवेक जी को जो है, विवेक कुमार जी को इनको किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IFS विवेक कुमार जी को अपने निजी सचिव के रूप में जो है कर लिया है नियुक्त। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज CEO एंड MD ऑफ इन्फोसिस। इन्फोसिस के CEO और MD के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइज इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर, सलील पारेख जी को जो है इनको नियुक्त किया गया फिर से। IT प्रमुख इन्फोसिस ने घोषणा की कि उसके निदेशक मंडल ने सलील एस पारेख को जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक CEO यानी MD के रूप में जो है नियुक्त किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द कमिटेड लीडर अवार्ड एट CII एक्सकॉन 2022 इन बेंगलुरु। निम्नलिखित में से किसे बेंगलुरु में CII एक्सकॉन 2022 में कमिटेड लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है? तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन टू, अंजलि पांडे जी को जो है सम्मानित किया गया है, ये अंजलि पांडे जी हैं। कमिंस इंडिया में इंजन और कोर कंपोनेंट्स बिजनेस यूनिट लीडर अंजलि पांडे को अधिक विविध न्याय संगत और समावेशी कार्यस्थल बनाने के लिए उनके प्रयासों के लिए बेंगलुरु में CII यानी एक्सकॉन 2022 में कमिटेड लीडर अवार्ड से क्या कमिट कौन सा कमिटेड लीडर अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया। किनको सम्मानित किया गया है? अंजलि पांडे जी को। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है गाइज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।